के तो इसमें जैसा हमने देखा कि इससे पहले जितने भी हमने लेजर्स बनाए, ठीक है, तो जहाँ पे बैलेंसिंग फिगर हमारा लिखा हुआ है, जो इनकम एक्सपेंसेस लॉसेस और गेन्स वाले हैं, वो तो उनको हमको क्या करना होता है, उस ईयर के एंड में क्लोज करना पड़ता है ना। तो उसके लिए क्लोजिंग एंट्रीज हम पास करते हैं, तब हमको पता चलेगा कि इस ईयर का कितना प्रॉफिट और लॉस है, ठीक है। तो जैसे हमारा परचेजेस अकाउंट है, तो इसको क्लोज करना है, क्योंकि ये तो इस साल का परचेजेस है ना, इस साल का परचेजेस का एक्सपेंस है। उसी तरह हमारा सेल्स अकाउंट है, ठीक है, फिर परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न अकाउंट है, और हमारा जैसे डिप्रिसिएशन है, ठीक है, इनडायरेक्ट खर्चा है ये, तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। तो इस तरह से जो उसी साल के एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स वाले आइटम्स है, उनको हम क्लोज कर देते हैं। कैसे? अगर डायरेक्ट नेचर का है तो ट्रेडिंग में, जैसे प्रॉफिट एंड परचेजेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट है ना, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, तो ये हमारा डायरेक्ट नेचर का है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाके, और अगर इनडायरेक्ट का है जैसे डिप्रिसिएशन है, तो ये कहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, इसके बारे में पहले हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पहले के वीडियोस में, बेसिक कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स के बारे में है ना वहाँ पे, ठीक है। तो अब ट्रायल बैलेंस के बाद जब हम आगे बढ़े, तो ट्रायल बैलेंस के बाद है एक क्लोजिंग एंट्रीज, जो भी अभी हम लोग देख रहे थे कि एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स है, तो उसके लिए हम लोग एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, परचेजेस अकाउंट का टोटल बैलेंस था 6,000, ठीक है, तो 6,000 को हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो परचेजेस का डेबिट बैलेंस था, है ना, यहाँ देखिए परचेजेस अकाउंट का क्या है, डेबिट बैलेंस है, डेबिट में लिखा हुआ है ना, और सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट में है, इसी तरह परचेज रिटर्न का क्रेडिट है और सेल्स रिटर्न का डेबिट है, हाँ, और डिप्रिसिएशन का भी डेबिट बैलेंस है, ठीक है। तो इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो परचेजेस अकाउंट का डेबिट है, तो ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करेंगे, मतलब क्लोज करना है ना, क्लोजिंग एंट्रीज है ये सब, क्लोजिंग एंट्रीज, जिससे इसका बैलेंसेस क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस क्लोज करने के लिए एंट्रीज हम लोग पास कर रहे हैं। तो परचेजेस क्या हो गया, क्रेडिट, ठीक है, और डेबिट क्या हो गया, ट्रेडिंग, क्योंकि डायरेक्ट नेचर का है तो ट्रेडिंग अकाउंट। उसी तरह सेल्स क्रेडिट बैलेंस था, ख़त्म करने के लिए डेबिट किए, क्रेडिट कर दिए ट्रेडिंग को। परचेज रिटर्न क्रेडिट बैलेंस था, ख़त्म करने के लिए डेबिट कर दिए। उसी तरह सेल्स रिटर्न डेबिट बैलेंस था, ख़त्म करने के लिए क्रेडिट कर दिए। तो ये सब डायरेक्ट नेचर के थे, इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट में गए, ठीक है। अब हम इनडायरेक्ट नेचर का जो है हमारा डिप्रिसिएशन, उसको कहाँ भेजेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो डिप्रिसिएशन का डेबिट बैलेंस है, ख़त्म करने के लिए क्रेडिट, और उसका बैलेंस कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मतलब ये सब अकाउंट, कौन कौन से अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और डिप्रिसिएशन, क्या हो रहा है, क्लोज हो गया। इस साल का हम परफॉर्मेंस देखने के लिए, या तो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, उसके लिए हम लोग क्या किए, इसको ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डाल दिए। डायरेक्ट नेचर का है तो ट्रेडिंग अकाउंट, और इनडायरेक्ट नेचर का है जैसे डिप्रिसिएशन, तो प्रॉफिट एंड लॉस। इसी तरह वेजेस होता है, तो वेजेस हमारा डायरेक्ट नेचर का है, तो वो भी क्लोज होता कहाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में। कैरेज इनवर्ड भी होता, तो वो भी कहाँ क्लोज होता, ट्रेडिंग अकाउंट में, उसका बैलेंस ट्रांसफ़र करके, मतलब उसको क्लोज करके। और डिप्रिसिएशन है, सैलरी होता तो सैलरी भी क्या हो जाता हमारा, क्रेडिट होके ख़त्म हो जाता कहाँ पे, क्योंकि इनडायरेक्ट नेचर का है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसी तरह हमारा कोई और भी खर्च होता, जैसे ट्रैवलिंग का खर्च है, जो भी इनडायरेक्ट नेचर के यहाँ। इसी तरह इनडायरेक्ट इनकम भी होते हैं, जैसे बैंक इंटरेस्ट हम रिसीव किए, तो वो भी कहाँ जाके ख़त्म होते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पहले के वीडियोज़ में भी है ये सब, ठीक है। चलिए, तो इसका इतना एंट्रीज पास हो गया। अब
हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट को देखते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी हम एंट्रीज अभी किए हैं पास, उसके हिसाब से हमारा यहाँ पे क्या आ गया। तो उसका पहले फॉर्मेट देख लीजिए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, या क्योंकि एक अकाउंट है तो इसलिए डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों है ना। तो यहाँ हम लोग कंबाइंड वे में ही लिखते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऊपर वाला पार्ट जो डायरेक्ट नेचर वाला होता है ट्रेडिंग, और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एक्सपेंसेस लॉसेस हम लिखते हैं यहाँ पे डेबिट साइड में, और इनकम और गेंस लिखते हैं कहाँ, क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो अमाउंट अमाउंट रुपीस में या डॉलर में जिसमें भी है उसमें हम लोग एक्सप्रेस कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो खर्च है, जैसे हम लोग अभी देखे थे परचेजेस क्या हुआ था, परचेजेस का बैलेंस ख़त्म किए थे और डेबिट किए थे किसको, ट्रेडिंग अकाउंट को। तो ट्रेडिंग अकाउंट टू परचेजेस, तो परचेजेस कहाँ आ गया, डेबिट साइड में। फिर परचेजेस रिटर्न, परचेजेस रिटर्न के लिए अगर हम देखें तो परचेजेस रिटर्न क्या हुआ है, यहाँ देखिए परचेजेस रिटर्न तो हुआ है डेबिट और क्रेडिट हुआ है ये ट्रेडिंग, तो क्रेडिट में जाना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट के, है ना। लेकिन हम लोग डेबिट, तो यहाँ पे हम लोग क्रेडिट में भी शो कर सकते हैं कि यहाँ पे परचेज रिटर्न, लेकिन हम लोग इसको डेबिट में क्यों शो करते हैं, कि परचेजेस से ही रिलेटेड है, इसीलिए यहीं पे लेस करने से प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। तो इसलिए परचेजेस लेस रिटर्न कर दिए। देखिए जो भी डेबिट साइड में है उसको काटता है वैसे भी कौन, क्रेडिट साइड में है, और जो क्रेडिट साइड में है उसको कौन कम करता है, डेबिट साइड में। जैसे तराजू के एक पलड़े में हम अगर कुछ डालते हैं और दूसरे पलड़े में हम उसको कुछ और वजन, उस दूसरे पलड़े का भी वजन बढ़ाते हैं तो क्या होने लगता है, वो बैलेंस होने लगता है, मतलब एक दूसरे का वजन को वो क्रॉस करता है, कट करता है ना। तो इसी तरह तो प्रेजेंटेशन के पर्पज़ से क्या करते हैं, हम लोग उसको दूसरे साइड ना लिख के उसी साइड में जो भी उसका रिटर्न है वो हम लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये लिख दिए। हालांकि अकाउंट अलग है, ये ध्यान में रखना है, इसीलिए अलग अकाउंट बना के, इसका परचेजेस का अलग अकाउंट और परचेज रिटर्न, सीधा सेल्स का अलग अकाउंट और सेल्स रिटर्न का अलग अकाउंट। ठीक है, तो परचेजेस हमारा आ गया 6,000 और रिटर्न भी हमने रिकॉर्ड कर लिया 1,000, तो कितना हो गया 5,000, और सेल्स को भी रिकॉर्ड किया 13,000 और 2,000 उसमें रिटर्न हो गया, तो 11,000। वही सेम कॉन्सेप्ट सेल्स रिटर्न का भी है, ऐसे लिखना तो यहाँ चाहिए, लेकिन बेटर प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ हम लोग लिखते हैं ताकि पता चले सेल्स हम कितना किए थे उसमें से कितना रिटर्न हो गया। ठीक है, इसमें और कोई आइटम है नहीं, ओपनिंग स्टॉक होता तो यहाँ हम लोग लेफ्ट साइड में ओपनिंग स्टॉक हम लोग लिख देते। ठीक है, टू ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे रहता तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, इस तरह से हम लोग प्रोसीड करते हैं। वेजेस होता तो टू वेजेस भी लिखते हैं, कैरेज इनवर्ड होता तो टू कैरेज इनवर्ड भी लिखते हैं। हाँ चलिए, और फिर इसका जब हम लोग बैलेंस किए इसमें, तो देखिए 11,000 ग्रेटर है यहाँ पे, यहाँ पे तो सिर्फ 5,000 है, तो दोनों में से जो हाइयर टोटल है तो 11,000 11,000 दोनों साइड लिख लिए। और क्यों, ये 11,000 किसके कारण है, क्रेडिट के कारण है, क्योंकि क्रेडिट में ज़्यादा था तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगा, डेबिट में। और ये जो बैलेंसिंग फिगर आया जो हमारा मेन एक्टिविटी है उसके कारण, तो उसको जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसको ग्रॉस में हम लोग डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे तो प्रॉफिट है क्योंकि राइट साइड ज़्यादा भारी है लेफ्ट साइड से, राइट साइड कौन सा वाला है, राइट साइड है इनकम और गेंस वाला, तो इनकम और गेंस का साइड ज़्यादा बड़ा है एक्सपेंसेस और लॉसेस से, तो हम लोग का ये क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और फिर हम लोग इसका बैलेंस को ट्रांसफ़र कर देते हैं कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है। जो नीचे वाला पार्ट है हम लोग जानते हैं वो कौन सा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होता है। तो इसमें हमने ट्रांसफ़र कर दिया, देखिए 6,000 यहाँ पे आ गया। तो इसके लिए एंट्री पास होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफर एंट्रीज। ठीक है, तो वो एंट्री हम लोग पास कर लेंगे जहाँ पे अभी हम लोग कर रहे थे, देखिए इसके नीचे है ये रहा। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट का, तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो 6,000 6,000 ये ट्रांसफर एंट्री हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो ट्रांसफर एंट्री किए हम, उसके बाद क्या है, एक ही आइटम था इसमें, डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन को क्रेडिट किए थे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट किए थे, प्रॉफिट लॉस डेबिट हुआ किसके कारण, डिप्रिसिएशन के कारण, तो 500 यहाँ आ गया। ठीक है, तो फिर हम लोग फिर दोनों साइड को बैलेंस कर लेंगे, तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ 6,000 हाइयर टोटल है तो 6,000 ही टोटल बनेगा, और बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया, 5,500। तो ये हमारा जो लास्ट अल्टीमेट प्रॉफिट है उसको क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट क्यों हुआ, क्योंकि राइट साइड ज़्यादा बड़ा था, है ना, यहाँ राइट साइड बड़ा है 6,000 है और लेफ्ट साइड में सिर्फ 500 है,
तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमारा क्या हुआ, नेट प्रॉफिट, मतलब शुद्ध लाभ जो हमारा बिजनेस में हुआ है वो कितना है, 5,500। ठीक है, पहले 6,000 था लेकिन एक और खर्च आ गया जो इनडायरेक्ट नेचर का था, डिप्रिसिएशन 500, उसके कारण नेट प्रॉफिट 5,500 आ गया। अच्छा, अब ये जो नेट प्रॉफिट आया ये किसका है, ये तो ओनर का है, और इस केस में हमारे एक ही ओनर है ना, तो उनके कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगा। तो देखिए, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या, जो बैलेंस शीट हम बनाएंगे, लाइबिलिटीज एसेट्स अमाउंट ऑफ, यहाँ पे तो लाइबिलिटीज एंड कैपिटल भी रहता है। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मेनली तो सिर्फ लाइबिलिटीज ही लिख के रख देते हैं, इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो कैपिटल हमारा इंटरनल लाइबिलिटी है और बाकी कुछ है तो एक्सटर्नल। तो यहाँ पे भी जो नेट प्रॉफिट कैपिटल में हम लोग प्लस किए हैं, तो ये कैसे आया, इसका भी एंट्री करना होगा, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर एंट्री। जैसे इसका था ग्रॉस प्रॉफिट का ट्रांसफर एंट्री किया, उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जो बैलेंस इसका बचा, मतलब जो नेट प्रॉफिट बचा, उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में जो ट्रांसफर किए। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट का क्या बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस, खत्म करने के लिए क्या करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को, डेबिट है ना, तो प्रॉफिट लॉस डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो इसको जो ट्रांसफर किए ना हम, फिर से प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर किए, कैपिटल अकाउंट में, इसलिए इसको भी क्या बोलते हैं, ट्रांसफर एंट्रीज। ठीक है, तो ये दोनों ही हमारे क्या है, ट्रांसफर एंट्रीज है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऐड हो गया, तो पहले हमारा कैपिटल स्टार्ट किए थे 5,000, टोटल कितना था, 25,000, और जो कैश और फर्नीचर में लाए थे हम, है ना, 15,000 कैश और 10,000 फर्नीचर, और इसमें नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अभी ऐड कर दिए हम 5,500, टोटल आ गया 30,500। क्रेडिटर का तो कोई बैलेंस बचा नहीं हमारा, है ना, तो क्रेडिटर का कोई बैलेंस हम लोग नहीं यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ बैलेंस नहीं है तो बस डैश करके रहने दिए। और फिर कैश अकाउंट बैलेंस को देखिए, तो जो बैलेंस इसका बचा हुआ, ये बैलेंसेस कहाँ से लिख रहे हैं हम, जो हमने ट्रायल बैलेंस बनाया वहाँ से हम डायरेक्ट इसको क्या कर रहे हैं, वहाँ से लिख रहे हैं, क्योंकि जो हमारा एसेट लाइबिलिटी और कैपिटल वाला आइटम्स है वो कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में। तो देखिए ये सब क्या है, एसेट है, एसेट है। ठीक है, ये लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी साइड में चला गया हम लोग। देखिए ये कहाँ गया, ये परचेजेस गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में इसका बैलेंस। ठीक है, क्रेडिटर गया फिर हमारा बैलेंस शीट में, फिर ये डेटर है, ये भी एसेट हुए हमारे, तो एसेट साइड में बैलेंस शीट में जाएगा। फिर ये ट्रेडिंग अकाउंट में, ये ट्रेडिंग अकाउंट में, ये ट्रेडिंग अकाउंट में, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो इस तरह हम जब बैलेंस शीट का फिर टोटल मिला रहे हैं, ठीक है, तो हमारा देखिए ये ऐड होके कितना आ गया, 30,500। ठीक है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट जैसे बैलेंस शीट एज है। ठीक है, तो हमारा देखिए टोटल दोनों साइड मैच कर गया 30,500। तो इससे एक इंडिकेशन मिलता है कि हमारा प्रॉपर बना होने का ज़्यादा चांस है ना। फिर भी हो सकता है कहीं गलती हो, लेकिन बैलेंस शीट भी मैच हो गया, ट्रायल बैलेंस भी मैच हो गया था, तो उससे एक आश्वासन लगता है कि हमारा राइट है। हाँ ठीक है, चलिए आगे हम लोग इसका थोड़ा सा इसमें एनालिसिस कर लेते हैं, यहाँ पे हुआ क्या। ठीक है, तो इस क्वेश्चन, इसको शुरू से अब देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला गया था कि जर्नल एंट्रीज पास करना है आपको, लेजर्स बनाना है, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, मतलब सारा चीज़ करना था। तो इसमें हम लोग किए क्या, सबसे पहले जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बना लिए। ठीक है, और हम लोग जो एंट्रीज डेट वाइज है उसको पोस्ट करते गए। ठीक है, रूल्स पहले के वीडियोस में है तो वो हम पोस्ट करते गए। उसके बाद फिर क्या किया हमने, लेजर्स अकाउंट ओपन किए और फिर उसका हमने पोस्टिंग कर लिया। ठीक है, रिकॉर्डिंग कर लिया जर्नल एंट्रीज का, पोस्टिंग कर लिया हम लोगों ने लेजर्स में। उसके बाद ट्रायल बैलेंस, जो भी बैलेंस जितना भी है, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। फिर क्लोजिंग और ट्रांसफर एंट्रीज यहाँ पे पोस्ट किए। ठीक है, फिर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो हमने फॉर्मेट बनाया और फिर उसका पोस्टिंग करते गए हम लोग, और फिर बैलेंस शीट में भी हमने कर लिया। ठीक है, इसमें ध्यान रखने की ये बात है कि जो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस है और बैलेंस शीट है वो हमारा कोई अकाउंट नहीं है, है ना,
ट्रायल बैलेंस देखिए, ये कोई अकाउंट नहीं है ट्रायल बैलेंस, ये क्या है, बस हमने बैलेंसेस रिकॉर्ड कर लिया है, ये कोई अकाउंट नहीं है। इसलिए ट्रायल बैलेंस करके कोई एंट्री नहीं पास करते हैं हम लोग, ट्रायल बैलेंस अकाउंट डेबिट या बैलेंस शीट अकाउंट डेबिट या क्रेडिट, इन दोनों का नहीं होता है ना। ये सब क्या है, ये दोनों स्टेटमेंट है कि बस इतना इतना इसमें बैलेंस है, इतना इतना इसमें बैलेंस है ना। कि ट्रायल बैलेंस में तो हम लोग सब लिख लेते हैं, इवन एक्सपेंसेस भी है, देखिए लॉसेस भी है, इनकम्स भी है, गेंस भी है, लेकिन बैलेंस शीट में एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम गेंस का नहीं पोस्टिंग होता है। किसका होता है, एसेट लाइबिलिटीज और कैपिटल का। ठीक है, ठीक है। तो इस वीडियो इसको समझने से आपको अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस पता चला होगा। ठीक है, थैंक यू।